अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहना चाहिए अल्लाह करम से। और आज की हमारी रेसिपी है देखो, शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए मैंने देखो यहाँ पे खीमा नहीं मिलता है, गोश्त मिलता है, तो मैंने खीमे बोटी चना बोटी कर ली मैंने हाथ से काट काट के। ये 300 ग्राम गोश्त है और 100 ग्राम से भी कम दाल है, 100 ग्राम से भी कम दाल है चने की। और मैं एक आलू लेंगी इसके अंदर और मैं आप लोग के सामने डालूंगी, गलाने डालूंगी सब कुकर में। और मसाले में ये देखो, मसाले में मैं एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 काली मिर्ची बता 10-12, और ज़ीरा है, और 4 लौंग है, एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची का पाउडर है। छोटी इलायची मेरे पास नहीं है तो पाउडर डाली मैंने, और एक अदरक का ही एक टुकड़ा है, और एक लहसुन का कली, नमक अपने हिसाब से, सूखी मिर्ची। मैं ये सब अक्खा नहीं डालूँ, अक्खा डालूंगी तो ये सिल में पीसेंगे तो बारीक होता है, मिक्सर में पीसेंगे तो ये सब दिखता है मोटा मोटा, तो मैं इसको मिक्सर में थोड़ा मोटा मोटा पीस के बताऊँगी। और देखो मैं आप लोगों को सूखा है ना मोटा मोटा करके, क्योंकि अपन है ना मिक्सर में पीसेंगे ना तो गर्म मसाला मुँह में लगता है, सिल में पीसेंगे ना माशाल्लाह सब बारीक होता है। सील है मेरे पास मगर मैं मिक्सर में ही पीसूँगी, इसके लिए आप लोग बता रही है मोटा मोटा पीसूँगी। देखो मैंने ये मोटा मोटा पीस ली आप लोग के सामने सबका, इसको भी मोटा मोटा इसमें मिला के पीसूँगी फिर डालूँगी। बहुत से जने ना जैसे अक्खा डालते, मैं भी डालती थी पहले अक्खा पूरा कुकर में गला लेती थी, फिर सील में पीसती तो मुझे कुछ मुश्किल नहीं था, मिक्सर पीसने ना सब मोटा मोटा आता ना अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए वैसे ही मोटा मोटा करके क्रश करके तुम लोग को बताऊँगी। ये देखो मैंने ये इसमें भी ये पीस लिया आप लोगों को बता रही हूँ, ये पीस ली हूँ देखो मोटा मोटा सूखा सूखा पीस ली। देखो मैं हाथ से निकाल के बताती हूँ आप लोग को, ऐसे भी डालने का तो डाल दो आप लोगों को, जम रहा है सील वगैरह है पीसने का, मेरे को सील वगैरह है तो भी रात हो गई है इसके लिए नहीं पीसने, अंधेरा है बाहर, तो मिक्सर में पीस के बताऊँगी। इसके लिए मैंने मोटा मोटा ये पीस के अभी सब इसमें डाल के पानी डाल के चढ़ा दूँगी। ये देखो वाटी धो के मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी डालूँगी तो फिर सुखाना बांधे हो जाएंगे, बस इतने ही पानी में मैं एक सीटी लगाऊंगी कुकर में। ये देखो मैंने कुकर में एक सीटी लगा ली हूँ, देखो सूखा सूखा कैसा है बता आप लोग को, मैंने बता के निकाल के बताई हूँ कुकर से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बहुत से जन देखते हैं बहुत से जन नहीं देखते हैं, इसके लिए डायरेक्टली अब इसको मैं ठंडा करके मिक्सर में पीस के आगे क्या करूँगी वो बताऊँगी। तो ये ठंडा हो गया है, मैं मिक्सर की बाटी में थोड़ा दिया, पहले मिक्सर में आटी जो पीसी थी ना वही मिक्सर की बाटी में थोड़ा थोड़ा मैं पीस के आप लोगों को बताऊंगी। देखो ये तो सूखा सूखा है, देखो ये मेरे को बारीक बारीक मैंने पीस दी, देखो दिख रहा है आप लोगों को सूखा सूखा बारीक बारीक है, ज़्यादा वो नहीं है। एक फेरा हो गया मेरा पीस के, ये दूसरा फेरा मैं पीस रही हूँ, मैं हाथ का इस्तेमाल करूँ, चम्मच से मेरे को नहीं जमता है। ये दो फेरा मेरा पीसे गया है देखो, और अभी इलाज फेरा है मेरा पीस के, क्या मिक्स करूँगी क्या मिलाऊँगी वो बताऊँगी, फिर तल के बताऊँगी। ये मेरा हो गया पूरा पीस के, मेरे को तपेली छोटी पड़ रही है, मैं दूसरी तपेली में निकाल के बताऊँगी सूखे मसाले जब डालूँगी। तो ये देखो ये पीस के आया, मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ, देखो मेरे को ऐसा चाहिए था, ऐसा हो गया है सूखा सूखा, पूरा गोश्त के रेशे रेशे आ गए हैं। और ये मेरा मसाला है देखो, उसके अंदर एक कांदा है बारीक बारीक चॉप करा हुआ, मिर्ची एकदम बारीक बारीक चॉप करी हुई, कोथमीर है, पुदीना है, ये सब मैं मिक्स करूँगी आप लोग इसमें बताती हूँ डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों को मिक्स करके बताती हूँ, फिर उसके बाद फ्राई करूँगी, वो कैसा करना है बताऊँगी मैं आप लोग को। एकदम मोटा मोटा गोश्त रहना चाहिए, गोश्त देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा देखो तार तार दिख रहा है भाई कहता। मैं मिलाने में थोड़ा सा असली घी डालूँगी, नाम को के कबाब एकदम सॉफ्ट रहेंगे, देखो नाम को मैं असली घी डाली हूँ, और पूरा आटा मिल चुका है माशाल्लाह, देखो कितना सूखा सूखा है, अगर ज़्यादा दाल बाद पानी डाल के गलाती थी ना तो ये कबाब का शेप नहीं आएगा इसमें, देखो अभी माशाल्लाह आ रहा है। मैं हाथ से अच्छा एक 5 मिनट मिला रही हूँ, उसके बाद मैं 10-5 मिनट रख के भी मैं तलूँगी। तलने के लिए मैं तेल रेडी करके बता रही हूँ आप लोग को, तेल मेरा गर्म हो चुका है, और यहाँ पर मैं ये तो आप लोगों को बताई मैंने मिक्स करके रखी हूँ, ये अंडा दो ली हूँ मैंने, उसके अंदर नमक नाम को और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर नाम को डाल के मैं फेंट ली हूँ। अभी मैं बताती हूँ आप लोग को इसका तलने का तरीका। ज़्यादा मेरे को पतला नहीं करना है, मोटा मोटा रखना है मुझे, और पलटी करके मैं
आप लोग को बताती हूँ, सब मैं हाथ का काम करूँगी, चम्मच वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नीचे से पक रहा है, अभी थोड़ा पलटी करूंगी मैं। और आप लोग को बैदा नहीं लगाने का तो भी बैदे बिगड़े तल सकते हैं उसको। मेरे को बैदा पसंद है तो बैदा है, आप लोग उसको भी हटा के खाली ऐसा भी सादा तल सकते हैं। बिगड़ बैदे का भी मैं मंत्र में तल के बताती हूँ। ये पलटी एक तरफ से मैं कर चुकी हूँ, ये दूसरी तरफ से पलटी करके देख रही हूँ। पूरे हो गए माशाल्लाह, नरम नरम पके हुए और स्लो पे पका रही हूँ क्योंकि अंदर पूरा गलना चाहिए। ऊपर बैदा है ना, फिर बैदा लाल हो जाएगा, अंदर ऐसी कच्चे रहेंगे। तो मैं स्लो पे धीमी आँच पे इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ। माशाल्लाह पूरा फ्राई हो चुकी है, दो मिनट में निकाल दूँगी। देख लो आप लोग भी, कलर कितना प्यारा लग रहा है ये बैदे के साथ का। ये दो मेरे कबाब हो चुके हैं, मैं निकाल रही एक एक करके माशाल्लाह। आप लोग को सजा के दस खाने बताऊँगी। लोग ऐसे फूक से गए हैं, कितने सॉफ्ट और कितने फूगे हुए हैं, देखो आप लोग खुद ही देखो। मैंने आप लोग के सामने डाली थी। ये देखो एक फेरा मेरा निकल चुका है आप लोग के सामने, तवा वहाँ पे है, सॉरी फ्राई पैन। और अंडे के नहीं, अभी अंडे बिगर वाला आप लोग को बताऊँगी मैं। अंडे बिगर का बोलिए ना, मैं बना सकते वो भी बताऊँगी। अंडा बोले तो शामी कबाब बोलते हैं इसको, तो शामी कबाब के साथ अंडा लगाना ही पड़ता है। विदाउट अंडे का भी बना सकते हैं। ये दो कबाब मैं बगैर अंडे के आप लोगों को बताएगी। ये देखो मैं कबाब बिगर बिगर उसका बैदे का, देखो कलर देखो तो लाल लाल करारा कलर दिख रहा है। ये बिगर बैदे के आप लोगों को दो बताई हूँ, वो बाकी बैदे का है। ये दोनों कबाब मेरे हो चुके हैं, ये मैं निकाल रही हूँ आप लोग के सामने। ये बैदे वाला है, ये विदाउट बैदे वाला है। आप लोगों को कैसा चाहिए वैसा आप लोग बना सकते हैं। और मैं स्टोव बंद कर रही हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है शामी कबाब की। तो शामी कबाब बन चुका है, शाम के टाइम बनाई हूँ मैं, दोपहर में खाना बना चुकी हूँ। तो इसके लिए अब खाली शाम में शामी कबाब बनाई, तो इसके लिए आप लोगों को बोल रही हूँ शामी कबाब खाने के लिए आइए। मैं तो रोज़ खाना खाने लाते खाना खाने बुलाती हूँ। ये देखो शामी कबाब, देखो ये बैदे के साथ का है, ये विदाउट बैदा है। मैं आप लोग बोली ना बिगर बैदे का भी तल के बताऊँगी। दो है ना बिगर बैदे के, माशाल्लाह लाल लाल देखो ब्राउन ब्राउन कलर आया है। तो ये बैदे के साथ का है, सॉफ्ट तो देखो माशाल्लाह। कल मैंने भजिया बच्चे लोग को बोले, अम्मी ने आप भजिया तोड़ के बताना। ये देखो माशाल्लाह कलर देखो दिख रहा है आप लोग को। और इसको भी देखिए आप, ये देखो बिस्किट की तरह टूट रहा है माशाल्लाह। गोश्त के रेशे देखो, और उसके साथ है चटनी है पुदीने की, उसको मैंने आप लोगों को नहीं डाल दिखाई हूँ। और सलाद में कांदा और नींबू है। और आप लोग भी ट्राई करो, कमेंट में बताओ कैसा बना है क्या बना है आप लोग। और दुआ में याद रखो, और ऐसे ही मेरा साथ देते रहो, ऐसे ही मेरे को आगे बढ़ाते रहो। आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरत है मुझे। और बेटा क्या बोलते, बोलो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। ये मैं बोलती हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मैं भी आप लोग को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।